अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो बीबी फातिमा जहरा की विलादत है, इसलिए मैं आज कुछ बेहतर खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हर इंसान अपने अपनी इस्तात के मुताबिक बनाए, मगर आज जो है वो मैं सुहेल का फेवरेट आलू गोश्त बनाऊंगी, और उसी पे हम दुआ कर लेंगे और वही हम खाएंगे। थोड़ा सा मोहल्ले में भी बांट देंगे कि बरकत हो। किचन में मैं आई हूँ, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहती हूँ किचन में आने के बाद खवातीन का क्या होना चाहिए। ये है एक सनस्क्रीन, ये मैंने अपने कमरे में भी रखी हुई है एक, और एक मैंने किचन में रखी हुई है। किचन की जो सनस्क्रीन है वो चूल्हे के पास आने से पहले, हम पाकिस्तानी खवातीन की स्किन इसलिए बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन होती है हम लोगों को, और मैं बहुत, मुझे एक्ने हो गई थी, अभी भी ठीक नहीं हुई है, मैंने बिल्कुल ही मेकअप नहीं किया हुआ, बहुत ज़्यादा वाइट है ये, बहुत ज्यादा वाइट है, मगर मैं लगाऊंगी इसको अपने मुंह पे, क्योंकि एक्ने जो होती है मुझे आखिर में पता चला, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया कि भाई मुझे इस उम्र में, 30 साल की उम्र में कौन सी जवानी चढ़ी है जो मुझे एक्ने हो रही है। तो फिर मुझे पता चला कि मैंने 30 साल की उम्र में खाने ज्यादा बनाना शुरू किए हैं, खाना बनाना शुरू किया है। तो किचन में जब हम चूल्हे के ऊपर ऐसे देचकी के ऊपर अपना मुंह रखते हैं, तो ऑयल जो है, जो ऑयल की भाप होती है वो आपके पोर्स में, क्योंकि गर्मी से पोर्स भी खुलते हैं चूल्हे के पास आके, और पोर्स में जाता है खाने का ऑयल, तो उससे आपकी स्किन जो है वो खराब होती है। और 30th के बाद, अबव 30 जो लोग होते हैं, क्योंकि मैं अभी 30 की हुई हूँ, तो अबव 30 जो लोग होते हैं उनको जो एक्ने होती है वो कभी भी वो गड्ढे छोड़ के जाती है आपकी स्किन में, एडल्ट एक्ने इसको कहते हैं। तो बचपन की टीनेज एक्ने से ज्यादा एडल्ट एक्ने का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपनी सनब्लॉक लगा लिया, सनब्लॉक हमेशा आप लोग अपने चूल्हे के बिल्कुल पास रखा करें। अच्छा, ये मेरे पास मटन था, बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ मैं, कोई इतना खास नहीं, थोड़ा सा मैं साथ साथ कुकिंग के लिए अपने कैमरे के भी एंगल्स वगैरह साथ ही साथ वीडियो में सीखती रहूंगी। प्याज टमाटर मैंने भून लिए थे, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं खाना सारी चीजें साथ डालने की आदी हूँ, मेरे किसी भी खाने की कभी भी कोई एक रेसिपी नहीं रही, मैं हाड़ा गुड़ी खाना बनाती हूँ और हर खाने की रेसिपी मुझे कुछ याद नहीं होती कि कैसे बनाया था। बस ये हमने डाल दी गोश्त, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हर औरत को अपने किचन में बहुत पर्टिकुलर होती है, जैसे मैं वो फ्लास्क के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ। अगर मेरी जो लड़की है जो मेरी हेल्प करती है वो फ्लास्क अगर वो कर दे तो उसको पकड़ के उसकी शामत आनी है। अच्छा, प्याज टमाटर हमने भून लिया, आलू गोश्त में, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना आता था, जले हुए खाने मैंने सुहेल को बहुत खिलाए, उन्होंने जो है वो कभी कुछ बोला नहीं, वो बाद में जाके 7 साल बाद बोला तो मगर जब इंसान की शादी होती है, बच्चे होते हैं, सर पे पड़ती है, तो सारी चीजें खुद आ जाती हैं। मैं कल ही याद कर रही थी, कल किसी लड़की से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि आप इतनी पतली कैसे थी शादी से पहले भी, और आज भी आपके 3 बच्चे, आप कैसे बची थी। तो मैं ये बता रही थी कि हमारी जो वालदा थी, उन्होंने जैसे ही हम मोटा होते होना शुरू होते थे तो हमें टोकना शुरू कर दी थी, मोटी हो रही हो, पतले हो जाओ, पतले हो जाओ। पता नहीं उनको शायद पता था कि बच्चों ने टीवी पे काम करना है, या उन्होंने हमारे काम को बहुत इम्पोर्टेंस दी और हमें हेल्प करी इस बात में। जब भी हम घर आते थे, अंडे उबले हुए पड़े होते थे, चने उबले हुए होते थे, मतलब आज तक हमारे घर में, मेरी वालदा के घर पे प्रोटीन डाइट या डाइट फूड किसी ना किसी तरीके से पड़ा होता है, ओट्स होते हैं या वीट बिस्किट्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि डाइट में हमारी आसानी होती है। हाँ, देसी घी हम लोग खाते हैं, उसमें हम हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज हम पंजाबी हैं, हमें बहुत आदत है इस चीज़ की। तो अम्मी ने बहुत मदद करी थी मेरी डाइट के वक्त। अच्छा, गोश्त क्योंकि महंगा हो गया, जब इंसान छोटा गोश्त बनाता है तो इंसान को टेंशन भी होती है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फिर आपका दिल यूँ भी दुखता है कि आपके पैसे भी ज़ाया हुआ है तो बस दुआ कर रही हूँ साथ साथ। और सुबह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, और मैंने जैसे कल आप लोगों को बताया था कि मैं अगर एक दिन कहीं जाती हूँ तो अगले दिन मेरे अंदर कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, शायद इसलिए। चश्मा मुस्तफ़ा तोड़ चुका है, मुझे नया चश्मा बनाना है। अच्छा, आज की वीलॉग में हम सिर्फ ये खाना बनाएंगे, तो वीलॉग बस 4 मिनट हो चुके हैं, मजीद मेरे पास 6 मिनट हैं आप लोगों के साथ गुफ्तगु करने के लिए। प्याज टमाटर और वो थोड़ा सा भून दिया, इसलिए लहसुन अदरक हमने तकरीबन 2 चम्मच डाल दिए, ठीक है, और फिर हमने निकाला चम्मच
और फिर हमने डाला, मेरी पीठ आती है ना, कैसे करूं ऐसे कि मेरा फ्रंट आए, ये हमने नमक डाल दिया, ठीक है, किसी चीज का कोई हिसाब नहीं बना पता मुझे, ये हल्दी डाल दी। अच्छा गोरी जो हल्दी को एज अ इलाज यूज करते हैं, ये एक जो है वो आपने पहाड़ बना के डाल दिया या नहीं, पहाड़ ना बनाए, चले इतना डाल देते हैं। ये गरम मसाला जिसकी वजह से कोलंबस था, कौन था, बड़ा फॉरवर्ड था। ये है सूखा धनिया, मेरी मम्मी कहती बहुत सारा मसाला डाल के, बहुत सारा मसाला डाल के मसाला बना दो मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये मैंने सूखा जीरा डाल दिया, सारा मसाला डाल के हमने इसको भूना। और कुछ गलतियां जैसे सभी के अंदर होती हैं, मेरी ये गलती होती है कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना तेज आग पे खाना बनाती हूँ, पता नहीं क्यों। वैसे मैं कुकर यूज करती हूँ, आज मैंने पता नहीं क्यों कुकर यूज नहीं किया, ऐनी शायद, ठीक है। अब वो मसाला मैं आपको शक्ल दिखाऊं, थोड़ी सी खाने की शक्ल दिखाती हूँ। फिलहाल जो है सालन की ये शक्ल है, इसमें हमने सिर्फ लहसुन अदरक प्याज कम, टमाटर ज़्यादा और गोश्त डाल के भून रहे हैं, थोड़ा सा उसको और भूनेंगे, दही भी डाल देती हूँ मसाले के लिए। ये इसकी शक्ल होने लगी है, थोड़ी थोड़ी दही मैंने इसके अंदर डाली है, ठीक है, दही मैंने इसके अंदर डाली है, थोड़ी थोड़ी ये शक्ल होने लगी है, थोड़ा और भून जाए, वैसे तो भून गया, इसका तेल देखें ऊपर आने लग गया, भून गया है वैसे। ये आलू क्योंकि छोटे छोटे थे, छिलके के साथ मैंने डाले हैं, छिलके के साथ मुझे मज़े के लगते हैं, और जो बड़ा आलू था वो मैंने बीच में से काट दिया। तो आप मेरे खाने में कभी परफेक्शन नहीं देखेंगे, मगर जायका बहुत होता है, कसम से सच बोल रही हूँ। बस अभी थोड़ा भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये हरी मिर्चें और धनिया काट के रखा हुआ है, ऊपर से गरम मसाला हरी मिर्चें और धनिया मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आलू अगर नहीं गलते तो मेरी बहुत बेइज्जती होती है सोहेल से, इसलिए आलू गलाना आज मेरा फोकस है लाइफ का, ठीक है। अब जब ये गल जाएगा ढक्कन लगा देते हैं, इसके अंदर पानी डाल के। अच्छा जी, ये मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ अच्छा खासा, लाइक अराउंड ये 45 मिनट्स तक वो हो जाए। ये मेरी जो है वो लड़की ने ढक्कन लगा के दिया, जो इस देखने का है ही नहीं, मगर मैं इसी से ढक दूंगी। अराउंड 45 मिनट्स तक मैं कोशिश करूँगी ये गोश्त गल जाए, या बेशक एक घंटे तक गले, क्योंकि जब गोश्त और आलू नहीं गला हुआ होगा ना तो सहेल मेरा दिमाग गला देंगे इसलिए गलना बहुत ज़रूरी है। और बस फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है आलू गोश्त की शक्ल, मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं तो अब खाना खाने वाली हूँ।